गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में भारत की सामान्य जानकारी को पढ़ा था, ठीक है। अब आज हम अपनी जो क्लास है उसके अंदर भारत के सामान्य जानकारी के थोड़ा सा आगे का पार्ट देखते हैं कि सबसे पहले वही हम भारत का एक नक्शा ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में अब आगे आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। जो अपने पूरे भारत का क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है आपका, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपके भारत का कुल क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल। और आप इसको राउंड फिगर में या नॉर्मली ऐसे भी ले सकते हैं, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। अब जो आपका भारत है वो आपके विश्व के पूरे स्थलीय भाग का 2.4% है। जो भारत है वो अपने पूरे स्थलीय भाग का, समस्त स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है, 2.4% है। अब आपको मैंने कल कहा था कि भारत के अंदर आने वाले जितने भी राज्य हैं उन सब राज्यों की स्थिति आप देखिएगा कि जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर है या उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश है, ये राजस्थान है, इधर पंजाब हरियाणा है, इधर आपका मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है। तो जितने भी आपके भारत के राज्य उन सब की आपको स्थिति देखनी है जिससे कि आपको भारत का जो नक्शा है वो पूरा दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। तो आपकी भारत की ये वाली जो सीमा है ये तो हमने कल बताई थी कि ये आपकी भारत की कौन सी सीमा है, स्थलीय सीमा है, ठीक है। मतलब कि जो भारत की जो सीमा किसी देश से लग रही है, स्थलीय भाग से लग रही है। भारत की ये वाली सीमा किससे लग रही है, किसी देश से लग रही है, किन्हीं देशों से लग रही है, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ आपका भूटान है, नेपाल है, इधर भूटान, नेपाल, चाइना, यहाँ आपका बांग्लादेश, म्यांमार। तो जो ये वाली सीमा है वो आपकी किस भाग से लग रही है, स्थलीय भाग से लग रही है। तो भारत की जो ये वाली सीमा है वो कौन सी सीमा है, स्थलीय सीमा। और ये पूरी जो स्थलीय सीमा है ये कितने किलोमीटर है आपकी, 15,200 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। मतलब भारत की जो इस सीमा की पूरी लंबाई है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद आपकी जो दूसरी सीमा है वो कौन सी है, आपके ये वाली जलीय सीमा है। जो भारत की नीचे वाली सीमा है वो कौन सी है, जलीय, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सागर है, अरब सागर है, यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी है और नीचे आपके भारत के नीचे कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ठीक है। तो भारत का जो नीचे वाला भाग है वो पूरा क्या है आपका, जल से स्पर्श करता हुआ है। भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है, दक्षिण वाला भाग जो है वो जल से स्पर्श करता हुआ है। इसके नीचे वाली जो सीमा है ये जलीय सीमा है। तो इस जो जलीय सीमा की जो पूरी लंबाई है वो कितनी है आपकी, टोटल जलीय सीमा की लंबाई है आपकी 6100 किलोमीटर। अब इस जलीय भाग के अंदर भारत के दो द्वीप भी आते हैं, जैसे एक लक्षद्वीप आता है इधर और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जलीय सीमा, भारत की पूरी जलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, और उसमें अगर ऑप्शन के अंदर आपके 7516 किलोमीटर दे रखा हो तो आपके जो द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई होगी वो कितनी होगी आपकी, 7516 किलोमीटर, मतलब 7516 किलोमीटर। तो आपकी भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है और जो जलीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। और अगर उसके अंदर आप द्वीपों को भी ऐड कर दे, द्वीपों को भी जोड़ दे, तो आपकी जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 7516 किलोमीटर। अब आगे आपका जो भारत की स्थलीय सीमा,
जो सबसे लंबी है, जिस देश के साथ सबसे लंबी है। आपके यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ आपका चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ठीक है। तो आपकी जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो सबसे लंबी किस देश के साथ है? आपकी बांग्लादेश के साथ में, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो आपका आएगा बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश के साथ आपकी सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की है, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो भारत की लगती है वो अफगानिस्तान से। मतलब अफगानिस्तान से आपका सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर ही है जो स्पर्श करता है, और बहुत छोटी सी सीमा है यहाँ पर लगती भी भारत की अफगानिस्तान से। तो सबसे लंबी सीमा जो भारत की लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे छोटी सीमा जो लगती है वो आपकी अफगानिस्तान से लगती है। अब इस प्रकार से जैसे कई प्रकार से और क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम आगे और डिस्क्राइब करेंगे, कि जैसे मान लीजिए नेपाल के साथ में कौन कौन से ऐसे राज्य है जो भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से स्पर्श कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ उत्तराखंड आता है, यहाँ सिक्किम आता है, ये आपका सिक्किम है। तो आपके इन राज्यों के नाम उसमें आ जाएंगे। तो जैसे ऑप्शन में आपसे पूछ लिया कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है, ठीक है, और आपको ऑप्शन के अंदर मध्य प्रदेश दे दिया, छत्तीसगढ़ दे दिया, इधर आपका जम्मू कश्मीर दे दिया और उत्तर प्रदेश दे दिया, तो राइट आंसर कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती, तो आपके जैसे ऑप्शन में सिक्किम आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, और चौथा जैसे आपसे ऑप्शन में आ जाएगा मध्य प्रदेश। तो किसकी सीमा नहीं लगती है? मध्य प्रदेश की नहीं लगती है। तो इस प्रकार से आपके जैसे यहाँ पाकिस्तान से स्पर्श करने वाले जो भारत के राज्य है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है आपका, इधर आपका जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, तो ये जो सारे राज्य, इनकी सीमा किससे लग रही है? आपकी पाकिस्तान से लग रही है। इसी प्रकार से यहाँ बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की सीमा भारत के कौन कौन से राज्यों से लग रही है? जैसे यहाँ पश्चिम बंगाल आ रहा है आपका, या त्रिपुरा आ रहा है आपका, या मिजोरम आ रहा है आपका, या इधर मेघालय आ रहा है आपका, ठीक है। तो इनकी सीमा किससे लग रही है? बांग्लादेश से लग रही है। इधर म्यांमार है, तो म्यांमार की सीमा किन किस से लग रही है? जैसे इधर आपका अरुणाचल आ जाएगा, या नागालैंड आ जाएगा, या मणिपुर आ जाएगा, या मिजोरम आ जाएगा। तो जो भी आपके देश है इनके ऊपर भी कई बार आपके कॉम्पिटिशन्स के अंदर क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिनकी सीमा आपकी इस देश से नहीं लगती या इस देश से लगती है। तो अब आगे जैसे कि आपकी पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? आपका गुजरात है। जैसे यहाँ आपका गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ कर्नाटक है, इधर आपका केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। तो ये जितने भी आपके जलीय सीमा पर स्पर्श करते हुए राज्य आ रहे हैं, इन सभी राज्यों में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो आपका गुजरात राज्य है जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है। गुजरात का आप देखोगे कि कई जगह से वो कर्व लेते हुए, गुजरात जो राज्य है वो कई जगहों से कर्व लेते हुए है, तो इस कर्व के अंदर जो लंबाई आती है वो सबसे लंबी है बाकी सारे राज्यों के कंपेयर में। इसी प्रकार से आपका जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जो समुद्र तटीय सीमा है वो सबसे छोटी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा सा राज्य आपका आता है गोवा, जिसकी सीमा आपकी सबसे छोटी सीमा है समुद्र तटीय सीमा, ठीक है। तो इस प्रकार से कई बार कॉम्पिटिशन में पेपर बन सकता है, आंसर क्वेश्चन बन सकता है कि आपके ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसकी समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात। सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा किसकी है? गोवा। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश की है जो भारत से लगता है? तो बांग्लादेश। और सबसे छोटी सीमा किस
किस देश की है जो आपका भारत से लगता है, तो अफगानिस्तान। या आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे आपके यहाँ पर नेपाल राज्य, इसी प्रकार से यहाँ भूटान है, तो भूटान से लगने वाले कौन कौन से आपके भारत के राज्य हैं, यहाँ पे आपका सिक्किम है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, इधर आपका असम है, तो ये आपके जो राज्य है वो किससे लग रहे हैं आपके, इधर भूटान से लग रहे हैं। इसी प्रकार से यह सिक्किम आपका जो छोटा सा एक राज्य है, सिक्किम भारत का एक छोटा सा राज्य सिक्किम, तो सिक्किम जो राज्य है इसकी सीमा किस किस देशों से लगती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सिक्किम जो राज्य है उसकी सीमा किस किस देशों से लगती है, तो ऑप्शन में जैसे आपके आ गया कि निम्नलिखित में से ऐसा भारत का कौन सा आपका ये मतलब निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जिसकी जो सीमा है वो सिक्किम से लगती है। तो जैसे आपको ऑप्शन के अंदर दे दिया जाए पाकिस्तान दे दिया जाए, अफगानिस्तान दे दिया जाए, इधर की तरफ आपका चाइना दे दिया जाए, और फिर इनमें से कोई नहीं दे दिया जाए, तो आंसर आपका कौन सा होगा, चाइना। क्योंकि सिक्किम की जो सीमा है वो इधर नेपाल से लगती है, इधर भूटान से लगती है, ऊपर आपकी चाइना से लगती है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो कैसे भी आ सकता है। तो आपको मैंने पहले क्लास में भी अपनी क्लास में कहा था कि भारत के जितने भी सीमा पर रहे हुए देश हैं उन सारे देशों को आपको देखना है, प्लस भारत की सीमाओं पर आने वाले जितने भी राज्य हैं उन सारे राज्यों को भी आपको देखना है। इसी प्रकार से भारत के अंदर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से भारत के राज्य हैं जिनकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती, किसी भी देश से नहीं लगती। तो आपका जैसे मध्य प्रदेश आपका बीच में एक राज्य आता है, आपका इधर छत्तीसगढ़ बीच में एक राज्य आता है, यहाँ झारखंड एक बीच में एक राज्य आता है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा आपकी भारत से नहीं लगती, तो इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत के जितने भी राज्य हैं उनके बॉर्डर के जितने भी आपके आने वाले राज्य, सीमाओं पे आने वाले राज्य, उन सबको आपको देखना है, जिससे कि आपके दिमाग में उन सारे राज्यों की स्थिति इस क्रम वाइज क्या हो जाए, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, तो जैसा भी क्वेश्चन बनता है आप उसका आंसर दे सके। अब जैसे आगे आपकी सीमा रेखाएं पूछी जाती है कि भाई भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, या पाक और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, भारत अफगानिस्तान या पाक अफगानिस्तान। पहले पाकिस्तान भारत का ही एक भाग था, पाकिस्तान आपके भारत का ही एक पार्ट था, लेकिन बाद में वो अलग हो गया। तो पाकिस्तान या अफगानिस्तान की सीमा रेखा या भारत या अफगानिस्तान की सीमा रेखा, दोनों ही कौन सी कहलाएगी, आपकी डुरंड रेखा। मतलब आपका अगर क्वेश्चन बने, आपसे पूछा जाए कि भारत व अफगान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान व अफगान, इन दोनों की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं हम, डुरंड रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा। इसी प्रकार से जो आपकी भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाक की सीमा रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ, ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ। अब इसके बाद में आपकी जैसे आगे भारत और चीन की सीमा रेखा है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं, मैकमोहन। भारत को चीन की जो सीमा रेखा है इसको हम कहते हैं मैकमोहन, ठीक है। अब इन रेखाओं को पार करने के लिए हमें कई दर्रों का भी सहायता लेनी पड़ती है, कई दर्रों को भी सहायता लेनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से आपको ये याद रखना है कि जितनी भी आपकी सीमाएं रेखाएं हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है, आपकी भारत अफगानिस्तान, पाक अफगानिस्तान, भारत पाक और भारत चीन की सीमा रेखा है मैकमोहन। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी रेड क्लिफ जो रेखा है वो कौन से दो देशों को जोड़ती है, दोनों, तो आपका आंसर भारत पाकिस्तान आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी भारत बांग्लादेश की भी सीमा रेखा है जिसको हम वैसे जीरो लाइन कहते हैं, कई जगह पे ये नहीं है, लेकिन भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। उसके बाद में अब आगे जैसे आपका है भारत और श्रीलंका, यहाँ पर आपका श्रीलंका एक देश है, ठीक है,
इस भारत और श्रीलंका के बीच का ये जो पुल है, इसको हम कहते हैं आदम का पुल, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया था। आप सभी को पता है कि ये किसके द्वारा? मनुष्य द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको हम कहते हैं आदम का पुल। दूसरी तरफ आपका जो पाक स्ट्रेट है, पाक जलडमरू मध्य है, वो भी आपका यहीं पर है। ये पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट भी आपका इधर ही है। आपकी जो मन्नार की खाड़ी है वो भी यहीं पर है, आपकी मन्नार की खाड़ी भी इधर है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच का जो पुल है उसको हम आदम का पुल कहते हैं। पाक स्ट्रेट भी आपकी यहाँ पर है और मन्नार की खाड़ी भी आपकी यहीं पर है। अब आगे हम इसमें एक चीज़ देखेंगे कि जो आपका मकर रेखा 22 दिसंबर, जैसे कल हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा था कि आपका 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, तो ये राज्य उसमें आता है। अब जैसे आपकी इसके नीचे भूमध्य रेखा आती है और भूमध्य रेखा से नीचे आपकी आती है मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो आपकी कहलाती है वो कहलाती है मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपकी मकर रेखा कहलाती है। मकर रेखा पे जो सूर्य लंबवत होता है वो आपका कब होता है? 22 दिसंबर को। मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है आपका 22 दिसंबर को। तो जब 22 दिसंबर को आपका सूर्य सीधा मकर रेखा पे चमकता है, तो जो यहाँ से आपकी किरणें हैं वो इधर की तरफ क्या होती जाती है? तिरछी होती जाती है। आपकी जितना उत्तर की तरफ जाएंगे उतना आपकी जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होती जाएगी? तिरछी हो जाएगी, क्योंकि वो सूर्य है वो 22 दिसंबर के आसपास कहाँ चमक रहा है? मकर रेखा पे चमक रहा है। मकर रेखा कहाँ पर आ रही है? आपकी दक्षिणी गोलार्ध में आ रही है। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में आपकी मकर रेखा आ रही है तो यहाँ सूर्य सीधा चमक रहा है, तो आपका जो भारत वाला पार्ट है, इंडिया वाला पार्ट है, वहाँ पर सूर्य की किरणें क्या होती जाएगी? तिरछी होती जाएगी, और उत्तर की तरफ जाते जाते सूर्य की किरणें और तिरछी होती जाएगी। इसलिए आपका जो उत्तर वाला भाग है वो इस टाइम पीरियड पर 22 दिसंबर के आसपास का जो समय होता है, इस टाइम पीरियड पर आपका उत्तर वाला पार्ट जो है यहाँ पर क्या होती है? शीत ऋतु रहती है, और शीत ऋतु रहती है और यहाँ का जो मौसम है वो कैसा रहता है? अधिक ठंडा रहता है। और इसके कंपेयर में जो भारत का दक्षिण वाला भाग है यहाँ पर मौसम कैसा रहता है? सामान्य रहता है, मतलब बहुत अधिक ठंड नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें इतनी अधिक तिरछी नहीं होती जितनी कि आपकी उत्तर वाली दिशा पे सूर्य की किरणें तिरछी होती है। तो आपको एक ये बात भी इसमें याद रखने वाली चीज़ है, जैसे कल हमने कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पढ़ा था 21 जून के आसपास, तो उस समय आपके इस वाले भाग में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होती है, और जब 22 दिसंबर के आसपास जो आप कर्क रेखा आपका जो सूर्य है वो मकर रेखा पर चला जाता है तो आपकी उत्तर वाले भाग में जो है आपकी शीत ऋतु आ जाती है। उसके बाद में आपका हमने कल पढ़ा था कि जो आपका विस्तार है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपकी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपका विस्तार है। अब अगर हम ये देखें कि जो इसके विस्तार में अंतर है वो कितना है, ठीक है, जैसे जनरली तो हम उसको याद कर लेते हैं कि जो भी आपका इसका अंतर है विस्तार में वो इतना है, तो उस अंतर के लिए एक चीज़ और इसमें एक चीज़ और बताई थी आपको कि कल हमने यहाँ पे इंदिरा पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट 11 सेकंड पे जो है यहाँ पे आपका दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट इधर नीचे, तो जो आपका ये दक्षिणतम बिंदु है इसका, इसको इंदिरा पॉइंट को दूसरे शब्दों में हम पार्सन पॉइंट भी कह सकते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट भी कह सकते हैं। पार्सन और पिग्मेलियन, इस दो शब्दों में भी इस पॉइंट को कह सकते हैं, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, ये कल मैं आपको बता नहीं पाई थी, तो आज इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। जो आपका 6 डिग्री 45 मिनट 11 सेकंड जो इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु भारत का है उसको हम पार्सन और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद में अब हम बात कर रहे थे कि जैसे कि आपका जो अपने अक्षांशीय इसका विस्तार पड़ा था 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, उन दोनों के जो बीच का अपना अंतर होता है उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले जैसे आपका है यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो 37 डिग्री 6 मिनट है ये 37 डिग्री 6 मिनट इसके आगे ज़ीरो नहीं है, मतलब 6 के आगे यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, ये 60 मिनट नहीं है,
ठीक है, जब भी हम यहाँ पर जो आपका डिग्री के अंदर जो भी अक्षांश और देशांतरी विस्तार लेते हैं उसमें हम यहाँ पर डायरेक्ट 6 के बाद में मिनट लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 60 मिनट हो गया, इसका मतलब ये है कि ये जो 37 डिग्री है उसके आगे ये 0.6 मिनट है, 37 डिग्री है उसके आगे हम 0.6 मिनट है, तो इसको हम जनरल जो भाषा होती है उसमें हम डायरेक्ट 37 डिग्री 6 मिनट ही बोलते हैं। उसके अलावा दूसरी तरफ होता है 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट में भी हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे 8 डिग्री और ये 4 मिनट इस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, तो जो 37 डिग्री 6 मिनट है इसमें से 8 डिग्री 4 मिनट को जब हम माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, इधर की तरफ जो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपका आ जाएगा, जैसे आपके 6 में से 4 गए, इधर आपका 2 बचा, इधर 0, इधर 17 में से 8 गए तो आपका 9, यहाँ पे 2, मतलब 29 डिग्री 2 मिनट, ये आपका अंतर है। मतलब जो हमने कल पढ़ा था कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है, उस अक्षांशीय विस्तार के जो बीच का अंतर है वो कितना है, आपके कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो भारत के अक्षांशीय विस्तार का अंतर है वो कितना है, तो भारत के अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है आपका 29 डिग्री 02 मिनट। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आपका इसमें पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार का अंतर आता है तो यहाँ पर आपको 8 डिग्री 4 मिनट से माइनस करने की बजाय 6 डिग्री 45 मिनट से अंतर करके 45 मिनट से माइनस करके देखना होगा, क्योंकि आपका मान लीजिए ऑप्शन के अंदर 29 डिग्री 02 मिनट है ही नहीं। ठीक है, और आप कंफ्यूज हो गए कि यार 29 डिग्री 02 मिनट तो है ही नहीं, तो आप उस समय क्या करेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट को 6 डिग्री 45 मिनट से माइनस करेंगे, क्योंकि जो मैंने कल आपको बताया था आपका जो दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट उसकी जो आपकी अक्षांशीय स्थिति वो कितनी है, 6 डिग्री 45 मिनट। तो अगर आपके ऑप्शन में 29 डिग्री 02 मिनट नहीं है तो आपको 37 डिग्री 6 मिनट को 6 डिग्री 45 मिनट से माइनस करके और फिर उसका आपको विस्तार में अंतर निकालना होगा। तो इस प्रकार से भी अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो आप बता सकते हो कि अक्षांश स्थिति विस्तार में इसमें कितना अंतर है। अब जैसे आप जो भी समय गणना करते हैं, जो भी आप समय गणना करते हैं तो वो हमेशा उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट होते हैं, देशांतर इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपने कभी भी जैसे अपन ने इधर का एक समय पूछा है या उससे थोड़े आगे का समय पूछा है, ठीक है, जैसे आपने कई बार अपने क्वेश्चन होता है कि 0 डिग्री देशांतर पर अगर दिन के 2 बज रहे हैं तो आपके 40 डिग्री देशांतर पे कितना समय होगा उस समय। ठीक है, तो जब भी हमारा क्वेश्चन इस तरीके से समय निकालने के लिए बनता है, पूरे विश्व के संदर्भ में जब हमारा क्वेश्चन समय निकालने के लिए बनता है, भाई अपने पूरा विश्व है, अपने हमेशा क्या होता है अपना समय आगे पीछे होता है, जैसे आज जो राजस्थान का समय है वो बिल्कुल पूरब के अरुणाचल के समय से कुछ घंटे आगे पीछे होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पूरा इंडिया का जो समय है वो अगर अपन देखें अफ्रीका के समय से या अमेरिका के समय से काफ़ी आगे होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम समय की गणना करते हैं तो उसके लिए हम किसको यूज़ में लेते हैं, देशांतर को यूज़ में लेते हैं, अक्षांश को यूज़ में नहीं लेते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन कभी भी ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई समय गणना के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, समय गणना के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, तो उसके अंदर ऑप्शन में आपका अक्षांश दे दिया जाए, अक्षांश रेखाएं दे दिया जाए, देशांतर दे दिया जाए या कोई नहीं दे दिया जाए, तो इसका राइट आंसर आपको करना है देशांतर। समय गणना के लिए हमेशा देशांतर महत्वपूर्ण होते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि भाई 1 डिग्री देशांतर पे 4 मिनट का अंतर होता है। तो जब भी हमें किसी जगह की जो समय निकालना होता है तो वो किससे हम निकालते हैं, देशांतर से निकालते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे और अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँगी। अभी आज के लिए आप अपना इतना अच्छे से समझिए और इसमें अगर आपको कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे अगले वीडियो में मैं आपकी उस समस्या का हल कर सकूं। और मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए जो यहाँ सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन बना हुआ है इस पर ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको जितने भी मेरे आने वाले
वीडियो होंगे वो आपके पास में नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच सके। और उसके अलावा आपको मेरे पिछले वीडियो अगर देखने हैं तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें जितने भी लिंक दे रखे हैं उनमें से किसी भी लिंक पर आप क्लिक कीजिए और आपको वो उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा। आगे आपको वीडियो देखने के लिए इसमें नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।